दुबई जिसने बनाया था शेख राशिद, उसका इंटरव्यू लिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, उसका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू ले लेने वाले ने पूछा, सर आप अपना भविष्य क्या देखते हैं, आप अपना भविष्य क्या देखते हैं? उसने बोला, मैं ऊँट, मेरे पिताजी ऊँट पे चलते थे, मैं मर्सिडीज पे चलता हूँ, मेरा बेटा रॉयल्स रॉयस में चलता है और मेरा पोता फिर ऊँट पे आएगा। इंटरव्यू छपा हुआ है, गूगल पे पूरा सर्च कर लेना। शेख राशिद से जब पूछा कि आपका भविष्य क्या देखते हो, कि मेरे पिताजी ऊँट पे थे, मैं मर्सिडीज बेंज में चलता हूँ, मेरा बेटा रॉयल्स रॉयस में चलता है और मेरा पोता फिर ऊँट पे आएगा, कोई इस बात का मीनिंग समझा सकता है? क्योंकि मैंने हिंट दे दिया था, राजाओं के राज गए। यस सर, इशारा तो कर दिया, नजदीक आ गए, बिल्कुल पिन कोड तक पहुंच गए, मकान नंबर तक आना है, मैं लाता हूं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा। उसने कहा, कठिन समय आदमी को मजबूत बनाता है। बापू, बापू ऊंट पे चलता था, कठिन समय इंसान को मजबूत बनाता है, मजबूत आदमी समय को आसान बनाता है, कठिन समय आदमी को मजबूत बनाता है। मजबूत आदमी जब बनता है तो समय को आसान बनाता है। आपके पिताजी और ने जो सुविधा आपको नहीं दी थी ना, आपके बेटे बेटियों को आपने सबने दे दी, दी कि नहीं दी? कठिन समय आदमी को मजबूत बनाता है, मजबूत आदमी समय को आसान बनाता है, और आसान समय आदमी का वापस कठिन समय पैदा करता है, फिर ऊंट पे आएगा। क्योंकि जब जब आसान समय होता है ना, तो इंसान वापस आलसी होता है, कार्यकर्ता नहीं बनता, क्योंकि चारों तरफ हरा ही हरा दिखता है। तो उसने कहा, इसलिए मेरा पोता ऊंट पे वापस आएगा।